मीनाक्षी कंडवाल मैदान में जन्मी पली बड़ी, यहाँ जब वो पहाड़ की बात करती हैं तो क्या आपको काम करने के दौरान कभी ऐसा लगा कि लोगों ने कहा होगा यार क्या पहाड़ पहाड़ करती रहती हो, तुम तो इतने बड़े करियर है, इतनी बड़ा फेस है, वो ऐसा कई हुआ होगा? बार 50 बार हुआ है। लेकिन अगेन वही जो इंटरव्यू की शुरुआत में जो हम बात कर रहे थे कि जब मैंने कंडवाल सरनेम के लिए इतना फाइट कर लिया तो फिर उत्तराखंड तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मतलब मैंने स्टार न्यूज़ से, क्योंकि मैं अपनी पहचान को लेकर बहुत अवेयर और बहुत बहुत क्लियर रही हूँ, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आई एम दिल्लीआइट। मैंने हमेशा कहा मैं उत्तराखंड से हूँ। और जो एक बार एक दोस्त ने बोला कि ना यू डोंट लुक लाइक दिल्लीआइट, एंड आई वाज दिल्लीआइट, दिल्लीआइट क्या होता है, मतलब ऐसा क्या है, तो मुझे समझ में नहीं आया। बट शायद वो ये समझना चाह रहे होंगे कि मैं अपनी उत्तराखंड की पहचान को पैसा लेकर इतनी मतलब स्ट्रांग या हेड स्ट्रांग हूँ कि दिल्ली की पहचान कहीं पीछे छूट जाती है शायद, ये उनका मतलब रहा होगा। तो स्टार न्यूज़ में तो हम लोग को, क्योंकि बहुत जूनियर थे तो वहाँ तो हम इतना कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे कि ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं। पर इंडिया टीवी आते आते थोड़ा थोड़ा मैंने वो शुरू कर दिया था कि उत्तराखंड पर कुछ हो क्यों नहीं रहा। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी का 60% 70% हिस्सा जो मैं अपने प्रोफेशन को दे रही हूँ उसमें उत्तराखंड कहीं है नहीं, मतलब वहाँ की विजिबिलिटी वो सब कुछ नहीं है। इतने में 2013 में केदारनाथ वाला इंसिडेंट हाँ हुआ, उस समय मुझे था कि मेरे को वहाँ जाना है कवर करने के लिए। बट फिर जो मेरे एडिटर थे थोड़ा उनको भी लगा कि अभी पता ही नहीं है कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है, रास्ते हैं नहीं है, तो शायद उनको ये लगा कि मतलब मैं उस समय, अभी तो जैसे मैंने थोड़ा वेट वेट गेन कर लिया बट उस समय मैं बहुत ज़्यादा बच्ची सी लगती थी और मतलब फिजिक वाइज ही बहुत लाइट लगती थी, तो उनको ये लगा हो, जैसे एक होता है ना का कि हम वो शायद थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहे हों कि ऐसा ना हो कि हम बहुत यंग बच्चे को भेज रहे हैं। और कंसिडरिंग कि वहाँ पर हालात क्या हालात हैं, कैसे हैं? कि वहाँ पे तो रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और रास्ते नहीं बचे, पानी नदियाँ मतलब सब सब कुछ बिखर गया है। तो पहाड़ की पहली बड़ी कवरेज जो थी, मतलब मैं अगर मीनाक्षी कंडवाल के ग्राउंड रिपोर्टिंग के तौर पे जानूँ कि पहली जो बड़ी जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट की होगी पहाड़ में जाके, तब आपको लगा होगा, मतलब जो या आप यहाँ रह के स्टूडियो से कर रही थी, आप ग्राउंड पे गई तो वो कौन सी ऐसी वो कुछ ध्यान आ रहा है आपको कि मेरे हाँ यार वो ग्राउंड रिपोर्ट थी, वहाँ गई थी, मुझे वहाँ से मतलब चेंज हो गया कि यार नहीं ये तो आनी ही चाहिए? मुझे भी मतलब मुझे ऐसा फर्स्ट तो एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, बट आई थिंक मैंने ना ऑलरेडी आज तक में रहते हुए उत्तराखंड पर काफ़ी बोलना शुरू कर, शुरू मैं किया था। वोकल हो चुकी थी उस टाइम तक उत्तराखंड के अच्छा लिए। तो अब क्योंकि सोशल मीडिया ने आपको वो ताकत हाँ दी हाँ है कि टीवी पर अगर आप एक बहुत स्टिफ पर्सनालिटी दिखते हैं या टीवी पर अगर उत्तराखंड की खबरें नहीं भी चलती हैं तो हाँ मेरे पास एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग मुझे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मेरे को सुनना चाह रहे हैं, या दी अदर साइड ऑफ मीनाक्षी कंडवाल द एंकर वो समझना चाह रहे हैं। तो मैं उत्तराखंड के बारे में काफ़ी लिखना शुरू कर चुकी थी और वो लिखने की शुरुआत भी ऐसे हुई क्योंकि मैं जो करना चाह रही थी मुझे उसका स्पेस टीवी में नहीं मिल रहा था। उत्तराखंड सिर्फ या तो आपदा के लिए कवर हो रहा था या हाँ चारधाम यात्रा के लिए या फिर सरकार उलट पलट हो गई तो उस सिनेरियो के यही लिए, होता। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और तो मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं अगर कभी अपने एडिटर्स से लड़ती भी हूँ, जैसे मैंने एक बार उनको कहा सर ये दिखाते हैं वो दिखाते हैं, तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, 2 बार 3 बार फिर किसी दूसरे सर को बोला, किसी तीसरे सर को बोला, बट कम से कम 20-25 बार रिजेक्ट होने के बाद ना उनको ये बात समझ में आ गई कि यार दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू डू इट। मतलब पहली बार जब अच्छा उन्होंने ये समझाया क्या है ये ऐसे, लेकिन 15-20 बार जब ये चीज़ हो गई ना तो उनको समझ में आ गया कि शी जेन्युइनली वॉन्ट्स टू कवर उत्तराखंड। मेरे बॉस इस बात को समझ गए, तो आज तक में सुप्रीत जी मेरे बॉस हैं, मतलब थे हैं, मैं कंफ्यूज रहती हूँ, वो आज भी हाँ बॉस ठीक ही है। हैं, मतलब एक्चुअली वो आज भी ऐसी, मतलब बॉस को ही बोलता तो सुप्रीत जी का ही नाम याद आता है। तो हुआ ये कि उन्होंने बोला कि अच्छा उत्तराखंड का ये है, तो वो मुझे हमेशा उत्तराखंड के लिए भेज देते थे। मतलब समवेयर ना उनकी अच्छी बात क्या है, उनको ये पता होता था कि कौन क्या करना चाहता है, तो उनको ये रहता था कि अच्छा उत्तराखंड मीनाक्षी जाएगी, मतलब पहले ही मेरा नाम होगा उत्तराखंड मीनाक्षी जाएगी, मतलब हाँ ये तो वो अच्छा क्लियर अच्छा है। अच्छा रहा, मतलब ये तो वही मैंने कहा लकीली कि मतलब। आज तक की वजह से ये इसीलिए हो पाया कि मेरे बॉस ये बात समझ गए कि शी हैज़ दैट जेन्युइन इंटरेस्ट टू कवर हर होम स्टेट, इसके इसका दिल का जुड़ाव है वहाँ से, तो उसको जाने दो। और जाएगी तो थोड़ा खुश होकर आएगी, अपना काम वाम अपना जैसा करना चाहती थी। तो जो वो एक वर्क वाइज जो एक वो क्रिएटिव फ्रस्ट्रेशन होता है ना आपके अंदर कि मुझे ये करना है और मैं ये नहीं कर पा रही, तो इसका वो क्रिएटिव फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बैलेंस्ड रहेगा कि अगर इसको 3 महीने 4 महीने में भी एक अपॉर्चुनिटी वहाँ की मिल रही है करने की तो शी विल बी इन आर गुड जोन। तो मैंने वहाँ से जाना शुरू किया, बट एट द सेम टाइम
मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव हो चुकी थी, ट्विटर फेसबुक पर मैंने उत्तराखंड के बारे में लिखना पढ़ना बोलना काफ़ी शुरू कर दिया था, जैसे वहाँ के जो त्यौहार आ रहे हैं, घी संक्रांत आ रही है, फूलदेही आ रहा है ना, या ये दिवाली के बाद जो इग्यास हो गया, हाँ ये बसंत पंचमी में क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी करनी शुरू कर दी थी। फिर एट द सेम टाइम क्या हुआ, मैंने कवरेज भी शुरू कर दिया, तो जो लोग मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कर रहे थे अब वो ये भी देख रहे हैं कि अच्छा ये अगर यहाँ लिख रही है तो ये यहाँ आ भी रही है। अब जैसे छोटी सी बात है, साहित्य आज तक एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है आज तक का, अब वो कार्यक्रम हुआ वहाँ पर, तो प्रसून जोशी का एक सेशन हुआ, वो सेशन कोई और एंकर कर रहा था और मैं एमसी की ड्यूटी कर रही थी, मतलब जैसे स्टेज पर मुझे पता था कि अगला सेशन ये है, ये आने वाले हैं। तो जब वो सेशन खत्म हुआ, देखा ये तो प्रसून जोशी हैं, ये वहाँ से हमारे यहाँ से निकले हुए हैं, पूरा इंटरव्यू खत्म हो गया एक घंटे का, और इस पूरे एक घंटे के इंटरव्यू में पहाड़ मैदान खलिहान अपने कुछ नहीं आए। तो मैं गई और वो स्टेज से नीचे उतरने लगे थे, तो मैंने ऐसे कहा कि प्रसून जी आपको बस रोकना चाहूँगी, यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई और बहुत मज़ा आया आपको सुनने में, बहुत आनंद आया, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ जितनी ऑडियंस बैठी है यहाँ से कितने लोग हैं जो उत्तराखंड से। मैंने कहा जरा हाथ खड़ा करके बताइए, तो कुछ हाथ वहाँ खड़े हो गए। तो मैंने कहा चलिए इसमें ये हाथ भी जोड़ लीजिए और ये जो साथ में खड़े हैं इनका हाथ भी जोड़ लीजिए, हमारे उत्तराखंड से ही हैं, तो अब जो है मेरा उत्तराखंडी समाज हो जाएगा नाराज अगर यहाँ से कोई गीत या कोई कविता आपकी ज़ुबान से नहीं निकली। अरे वो खुश हो गए एकदम, प्रसून जोशी, और खुश हो गए उन्होंने, मतलब जो उन्होंने गाया वहाँ से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने अच्छे से गा देंगे। नहीं अच्छे उनका अच्छा गला है, मतलब खड़े थे और वो उन्होंने गा दिया जो भी 10-15, और जब वो गाए तो ऐसे 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 करके गाया उन्होंने खूब, जो हाथ वाथ अपना सब हिला के पूरा उस मोड में, तो वो कहता है ना माहौल बन गया, जो लोग जनता नीचे बैठी है उस समय तक वो बड़ा प्रबुद्ध टाइप का इंटरव्यू सुन रही थी, इंटेलेक्चुअल टाइप का, ऑल ऑफ अ सडन उसको पहाड़ की वो मतलब मिठास याद आ गई, लोक में चले गए, सारे लोग खड़े हो गए वहाँ पे, जितने लोग थे ऑडियंस में स्टैंडिंग ओवेशन मिला। अच्छा। और उस स्टैंडिंग ओवेशन के बाद मतलब जब वो निकले वहाँ से, आपने आखिरकार मुझे पकड़ ही लिया ऐसे करके मुझे बोलते हुए निकले वहाँ से, एंड जैसे ही मैं स्टेज से उतरी तो मेरे जितने भी बॉसेस थे, जो भी मेरे सुपर बॉसेस थे, वो सब वहाँ पर, इस लड़की को ना उत्तराखंड हमेशा याद आई जाता है। अच्छा। तो ऐसे करके उन्होंने बोला, सो दैट वॉज माई इनिशिएटिव। मैंने कहा ना कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी छोटी सी कैपेसिटी में ना, वो जैसे कहते हैं ना वो गिलहरी ने पत्थर फेंका था राम जी का पुल बनाने के लिए, तो हम उतना उतना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने अच्छा मैं आपको ये भी बताऊँ, जब मैं वो करने जा रही थी, अब क्योंकि वो इवेंट प्लान का हिस्सा नहीं है, वो इवेंट का हिस्सा नहीं है, और आप एक गेस्ट को कुछ करने के लिए कह रहे हो, जिस एंकर ने वो सेशन होस्ट किया, या तो वो कर दे, वो उसकी पास वो इंडिपेंडेंस आज़ादी होती है, बट मी बीइंग द जूनियर पर्सन इन दैट एरिना, डिसाइडिंग समथिंग एट माय ओन, गेटिंग इट डन ऑन दैट ह्यूज स्टेज जहाँ पे 700-800 की लाइव ऑडियंस बैठी हुई है, और प्रथम पंक्ति में आपके एडिटर इन चीफ और वो सब बैठे हुए हैं, तो अगर वही पासा गलत पड़ जाता तो मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं इमेजिन कर सकती हूँ, लेकिन इट वेंट वेल। पर मैंने वो इनिशिएटिव लिया कि मैं ये करूँगी, और जाते हुए मैं सोच रही थी कि यार बोलूँ ना बोलूँ, मतलब जब तक मैं सीढ़ियाँ चढ़ के गई हूँ तब तक मैं ये सोचते हुए गई हूँ कि सिर्फ थैंक यू बोल दूँ या ये बोलूँ, सिर्फ थैंक यू बोल दूँ या ये बोलूँ, पर मैंने वो चीज़ की। तो जब आप ये बोल रहे ना कि लोग आपको ऐसा बोलते हैं, तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप लोगों ने ये बोला कि यार ये बहुत उत्तराखंड करती है। तो एक दिन तो मैंने किसी को जवाब भी दे दिया न्यूज़ रूम में कि जब तुम इतना बिहार कर सकते हो तो हम उत्तराखंड नहीं कर सकते क्या। अच्छा। बोल दिया, हाँ मैंने बोल दिया, मैंने कहा हम नहीं। अच्छा। कर सकते क्या, सो व्हाट, मैंने कहा तुम हर टाइम बोलते हो, मतलब नॉट दैट आई डोंट रिस्पेक्ट दैट कल्चर और दोज वैल्यूज, बट छठ पर्व, मतलब आप और भी मीडिया में आप देखिए कि छठ पर्व का मतलब क्या ग्लोरी दिखाई देती है, एंड मैं ये कहती हूँ इट इज़ ब्यूटिफुल थिंग, पर हाँ मैं ये चाहती हूँ कि हमारा भी कोई त्यौहार ऐसे नेशनल मीडिया के नेशनल हेडलाइन का हिस्सा हो, अब चाहे वो नंदा जात यात्रा हो, चाहे वो मतलब कुंभ को, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि कुंभ क्योंकि 3-4 जगह पर होता है, तो कुंभ सिर्फ उत्तराखंड स्पेसिफिक नहीं है, बट देर आर मेनी अदर थिंग्स आल्सो। हमारा जो फेस्टिवल है, जो लोक पर्व है, मुझे लगता है फूलदेही सबसे यूनिक, सबसे खूबसूरत है, सबसे यूनिक है, मतलब आपको याद होगा गाँव जाते हुए उस दौरान अगर कभी गई हूँ, फूल चुन के लाना, बिना टोकरी में ऐसे लेकर आते हैं, ऐसे देहरी पर रखे जाते हैं, मतलब आप सुबह जग रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, फूल आपके जो है स्वागत है, ये यूनिक है।
आई थिंक कुछ करना चाहिए हमको. हाँ, ये वाला हम दिल्ली में शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट इट हियर. ये यूनिक है. और जो नंदा वाला कह रही हैं आप, उसमें थोड़ा ये खतरा है कि आप हिमालय पे जब आप इतने लोगों को बुलाओगे तो वो उसका रायता फैल जाता है. तो हिमालय का जो वो थोड़ा खतरा है उसका. तो आपने कहा कि आप हर फेस्टिवल को, पहाड़ के हर फेस्टिवल लगभग जो भी आपको, तो घर में मनाते हैं. तो तैयारियां वैयारियां क्या क्या होता है मतलब? कैसे अब जैसे मतलब फूल दे ही है. हाँ, वो तो फूल दे ही ऐसा वो पर्व तो, है ना. जब आप पहाड़ में नहीं हो तो यहाँ कंक्रीट के जंगल में फूल दे ही मनाने का क्या मतलब है? वो वैसी चीज है. या जैसे बगवाल बोलते हैं आप, क्या दिवाली से पहले बगवाल होता है ना. तो अब जैसे बगवाल है, 11 दिन बाद आती है बगवाल. हाँ, बगवाल पहले आती. हाँ, मतलब छोटी दिवाली, दिवाली हाँ, बगवाल हो गई ना. तो उसमें क्या है कि आप पूरी पकौड़ी बनाओगे. हाँ, और जो आपके वो मवेशी होते हैं, मतलब जो आपकी गाय बैल हैं, उनको तिलक होता है. हाँ, उनको पकौड़िया खिलाते हैं. उनके उनको धूप वूप दी जाती है, बिकॉज आप उनको उस तरह से पूजते हैं, मतलब उनका वो स्थान रखते हैं. तो अब वो चीज तो यहाँ मतलब संभव नहीं है. तो फिर हम बस वहाँ की तस्वीरें जो आती है व्हाट्सएप पे, वो देख के संतोष कर लेते हैं कि ये है. पर हाँ, जैसे कोई शुभ अवसर है तो हमारे यहाँ जो कढ़ाई रखने का जो कल्चर है कि दिवाली है तो स्वाल पकौड़ी बनेंगी. हाँ, थोड़ा मैं इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ. हम जिस जैसे अभी मीनाक्षी बता रही हैं कि वो आप जो मवेशी हैं उनको पूजते हैं, तो दरअसल जो हमारे जो लोक पर्व हैं पहाड़ के, वो खेतियर समाज के पर्व हैं. उसमें धर्म उतना दखल नहीं देता. छोटे छोटे लोग देवता, जैसे मीनाक्षी ने बताया कि कौन से देवता बता रही थी कि जिसका वो, हम तो राणा देवता बोलते हैं. राणा देवता. हाँ, तो ये लोग देवता हैं. एक पत्थर लेके और रख दिया, आपने मान लिया कि मेरा देवता है, तो लोग देवता. तो ये पहाड़ का समाज, इसका ना वो इसकी इसका शिल्प अलग है, इसकी बनावट अलग है. तो मीनाक्षी जो बात कर रही हैं, तो वो भी उनकी इनकी बनावट अलग है. जो मैं कह रहा था कि टीवी स्क्रीन पे जो आपने मीनाक्षी देखी और ये जो मीनाक्षी जिनसे बात हो रही है, वो अलग बनावट वाली मीनाक्षी हैं. हाँ मीनाक्षी, तो हम बात कर रहे थे, हम बात क्या कर रहे थे? बगवाल की ना. बगवाल की. हाँ, जैसे तो हम कह रहे थे पकौड़ी बनती है. हाँ, अच्छा बनती है घर में, यहाँ पे होती है. तो और जो बाकी त्यौहार होते हैं उस पर माँ वगैरह रखती होंगी, उपवास वगैरह जो होता है सब रखती है. एक संकर चौथ क्या होता है? हाँ, अभी तो अभी कुछ दिन पहले ही गया है. संकर चौथ, संकर चौथ, संकर चौथ शायद. हाँ हाँ, लेकिन अभी वो कुछ दिन पहले ही गया है. हाँ, हाँ, शायद अभी 15-20 दिन हुए होंगे. हाँ, शायद. तो मतलब पहाड़ के पर्व जो है मनाए जा रहे हैं रेगुलर. तो जैसे मैंने बातचीत की शुरुआत में कहा था, दूसरी मीनाक्षी को एक्सप्लोर करेंगे जो आप स्क्रीन पे नहीं देखते. तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप मीनाक्षी का दूसरा पहलू देख पाए होंगे, समझ पाए होंगे. नहीं, ये मेरा पहला पहलू है, वो दूसरा पहलू है जो सब लोग जो सब लोग देखते रहे हैं. हाँ, तो ये वो मीना तो मीनाक्षी उसे दूसरा कह रही. बहरहाल जो भी, लेकिन आपने उसे जो दूसरा कह रही मीनाक्षी, वो आपके लिए पहला था कि आपने देखा है जिससे आप मीनाक्षी से जुड़े हैं. लेकिन मीनाक्षी से जब जुड़े हैं तो मीनाक्षी ये मीनाक्षी अलग है. जो मैंने आपको शुरू में बातचीत की स्टार्ट में कहा था कि दूसरी मीनाक्षी से मिलाऊंगा, तो मीनाक्षी से मुझे लगता है कि आपको शायद बातचीत में बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत चीज़ें पता चली होंगी. कई चीज़ें रह जाती हैं, वो फिर देख लेंगे. मीनाक्षी, मैंने आपका बहुत समय लिया और बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम लेने के लिए. आपने मेरा समय नहीं लिया, हमने मिलकर समय अपने उत्तराखंड को दिया. ओ, ये तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, बहुत मजा आया. और मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कि हम इतना लंबी बातचीत कर पाएंगे. मुझे लगा कि ठीक 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 अच्छे लोगों से बात करोगे तो थोड़ा समय. अच्छा, मेरी तारीफ हो रही है तो थोड़ा समय निकल जाता है. तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में, कैसी लगी बातचीत और मीनाक्षी से और क्या जानना समझना चाहते हैं वो भी लिखें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हों, तो वो फिर देखेंगे आपका. अच्छा, सीक्वल आएगा. तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मीनाक्षी का विशेष रूप से बहुत बहुत थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. और मनु जी के चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का कॉन्टेंट आपके सामने आगे और आता रहे. इसके लिए जरूरी है कि अच्छा कंटेंट को पसंद करने वाले मुरीद भी हमें मिले और दिल खोलकर अपना प्यार दें. ये तो मैं कहने वाला था, लेकिन चलो अच्छा हुआ मीनाक्षी ने कह दिया. बहुत 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 शुक्रिया आपका. थैंक यू.